अगली खबर में बात करते हैं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। सतना की बेतरतीब ट्रैफिक व्यवस्था के बीच पुलिस ने बुधवार को नाबालिग वाहन चालकों की खबर ली। पुलिस के इस एक्शन से दो पहिया वाहन लेकर सड़क पर फर्राटे भरने वाले कुछ घुमक्कड़ों को सबक मिला तो कुछ बच्चों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। यातायात पुलिस ने बुधवार को शहर के सर्किट हाउस चौराहे पर पॉइंट लगाकर नाबालिग वाहन चालकों को रोका और जांच पड़ताल की। ट्रैफिक प्रभारी एवं आरआई सत्यप्रकाश मिश्रा की मौजूदगी में ट्रैफिक थाना के स्टाफ ने सर्किट हाउस चौराहे पर उन वाहनों की धरपकड़ की जिन्हें नाबालिग उम्र के चालक चलाते दिखे। अप्रत्याशित कार्यवाही से बेखबर नाबालिग वाहन चालक बीच सड़क पर चल रही धरपकड़ देख घबरा गए। कईयों ने ट्यूशन कोचिंग जाने की कहकर छोड़ने का आग्रह किया तो गाड़ी लेकर तफरीह करने निकले कई नाबालिगों ने दूसरे बहाने भी बनाए, लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। वाहनों को जब्त कर लिया गया। बच्चों से उनके माता पिता की जानकारी लेकर उन्हें कागजात के साथ ट्रैफिक थाना बुलाया गया। ट्रैफिक इंचार्ज सत्यप्रकाश मिश्रा ने नाबालिग वाहन चालकों को समझाइश भरी हिदायत देते हुए बताया कि वे न केवल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि अपना जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं। ट्रैफिक इंचार्ज सत्यप्रकाश मिश्रा ने बताया कि 98 दो पहिया वाहनों को यातायात थाना में खड़ा कराया गया है। बच्चों के कुछ परिजनों को बुलाया गया है, उनके खिलाफ चालानी कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब है कि शहर की सड़कों पर नाबालिग वाहन चालक बड़ी संख्या में गाड़ियां दौड़ाते नजर आते हैं। इनके पास लाइसेंस भी नहीं होता। बिना लाइसेंस वाहन चलाना अपराध की श्रेणी में आता है। यह जानते हुए भी माता पिता उन्हें इसकी इजाजत दे देते हैं। नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ हुई इस तरह की कार्यवाही ने बच्चों को तो सबक सिखाया ही, उनके माता पिता को भी कड़ा संदेश दिया। आमतौर पर पुलिस चेकिंग अभियान चलाती भी है तो स्कूल कॉलेज ट्यूशन और कोचिंग जाने वाले नाबालिग बच्चे उससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब सिर्फ नाबालिग वाहन चालकों पर फोकस होकर एक्शन लिया गया है।